गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज के वीडियो में हम लोग जो देखने जा रहे हैं मेनली वायरस विरुवाइड प्रियोन एंड लाइकन से रिलेटेड बात करेंगे। नहीं, वायरस क्या होता है, विरुवाइड क्या होता है, प्रियोन क्या होता है, लाइकन क्या होता है, उससे रिलेटेड हम लोग आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की जो हम लोग बात करते हैं वो किसने दिया, विकेटर। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की जो हम लोग बात करते हैं वो किसने दिया है, विकेटर। तो विकेटर क्या दिया है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बात किए। तो इसमें जो हम लोग बात करें लाइकेन एंड सम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वायरस विरुवाइड एंड प्रियोन, ये सब को छोड़ दिया गया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि विकेटर का जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका ये ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, उसमें लाइकेन को इंक्लूड नहीं किया गया। कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे वायरस है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, विरुवाइड है, प्रियोन है, इसको कहीं इंक्लूड ही नहीं किया गया। वायरस, विरुवाइड, प्रियोन, लाइकेन, इन सबको इंक्लूड ही नहीं किया गया। तो ये क्या है, ड्रॉबैक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पीएमटी में कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको इंक्लूड नहीं किया, आंसर क्या जाएगा, लाइकेन। कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे वायरस, विरुवाइड एंड प्रियोन, नहीं, ये सबको इंक्लूड ही नहीं किया गया। चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं, वायरस से रिलेटेड बात करते हैं। वायरस के बारे में बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन ही नहीं किया गया। द ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन, बेचारा वायरस क्लासिफिकेशन में इसको जगह ही नहीं दिया गया। एक्चुअल में वायरस जो होता है ना, ये कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग होता है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या है, कनेक्शन है, कौन, वायरस। तो बेचारे को लिविंग कहिए कि बहुत लोग मानते ही नहीं है। वायरस अगर बाहर है, बॉडी के बाहर है, तो वो डेड है, लेकिन यही बॉडी के अगर अंदर घुस गया, सेल के अंदर घुस गया, तो इसको क्या बोला जाता है, ये लिविंग है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये कैसा है, कि ट्रूली लिविंग नहीं है। वायरस को बोला जाता है कि ये ट्रूली लिविंग नहीं होता। लिविंग उसको माना जाता है जिसका अपना सेल स्ट्रक्चर हो। लिविंग किसको मानेंगे, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास उसका अपना सेल स्ट्रक्चर हो, उसको हम लोग क्या मानते हैं, लिविंग। वायरस के पास अपना कोई फिक्स सेल स्ट्रक्चर नहीं है। वायरस जो होता है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म माना जाता है। वायरस क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज बाय हैविंग एन इंटर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। नहीं, तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ये जो वायरस का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। बाहर से कैप्सिड दिख रहा है, अंदर में आरएनए दिख रहा है, ये वाला आरएनए सब है। वायरस का ऐसे देखा जाए तो हेड है, ये टेल कहलाएगा, नहीं, ये कॉलर कहलाता है, ये सीथ कहलाता है, फिर इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए रहेगा। तो ये इसके अंदर का फिर जेनेटिक मटेरियल, इस सब से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे बच्चों। बच्चों वायरस की जो हम लोग बात करें, वायरस अगर अंदर घुस गया सेल के अंदर, लिविंग के अंदर, तो वायरस वहां लिविंग के अंदर घुस के आखिर करता क्या है, लिविंग के अंदर घुस के वो मल्टीप्लाई करता है, और अगर मल्टीप्लाई करेगा तो वो क्या करेगा, अपना नंबर बढ़ा रहा है, एक तरह से बोलिए रिप्रोडक्शन कर रहा है, और रिप्रोडक्शन करेगा तो ज्यादातर केस में देखा गया कि वायरस ऑर्गेनिज्म को मार देता है, खासकर उसका जो होस्ट सेल है वो होस्ट सेल को मार देता है। नहीं, वायरस की जो हम लोग बात कर रहे हैं तो ज्यादातर क्या देखा गया कि वायरस होस्ट सेल को मरवा देता है। जैसे आपको मैं जो फिगर दिखाऊं, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इसमें देखिए ये जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर आके कौन अटैक किया, वायरस। वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया। वायरस क्या करेगा, इसका जेनेटिक मटेरियल पूरा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मैकेनिज्म पे कंट्रोल कर लेता है, और कंट्रोल करके अपना नंबर बढ़ाया, और फाइनली ये रिलीज कर जाता है, होस्ट को रप्चर करके, होस्ट को मारते हुए ये बाहर की ओर निकल जाता है। कौन, वायरस की जो बात कर रहे हैं, वो बाहर निकल जाएगा होस्ट को मारते हुए। बच्चों ये जो वायरस नाम दिया हुआ है, वायरस आया विनोम से, और विनोम का मतलब होता है पॉइजनस, पॉइजनस फ्लूड। और ये जो वायरस दिया हुआ है नाम, ये किसका दिया हुआ है, पाश्चर का, लुईस पाश्चर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही वायरस नाम दिया है। तो वायरस नाम किसने दिया, पाश्चर। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं ये कौन है, पाश्चर। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है,
ऑब्लिगेट पैरासाइट कहने का मतलब क्या है? जिस वायरस का जो होस्ट है, वायरस केवल अपने ही होस्ट को इन्फेक्ट करता है, किसी दूसरे को छुएगा नहीं। क्या मतलब दूसरे को नहीं छुएगा सर? जैसे जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस जो है केवल ह्यूमन के लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा था, लंग्स के सेल को, ह्यूमन के किडनी को, ह्यूमन के हार्ट को, ह्यूमन के बॉडी के रेस्ट पार्ट को कहीं भी अटैक नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि वो होस्ट स्पेसिफिक होता है, केवल और केवल लंग सेल को इन्फेक्ट कर रहा था, वो भी ह्यूमन लंग। जरा सोचिए, अगर अगर गाय का, बैल का, भैंस का, गॉट का नहीं, जानवरों के भी लंग्स को अगर इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता, तो फिर हम लोग कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाते, कोरोना से बचना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। इसी में बोला जाता है कि ये कैसा है? ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। और ये जब भी ग्रो करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, तो होस्ट के अंदर ही करेगा, क्योंकि इसके पास, वायरस के पास अपना प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी नहीं होता है। वायरस के पास अपना प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी नहीं होता है, वायरस के पास अपना राइबोसोम नहीं होता है। इवन बहुत सारा वायरस ऐसा भी है जिसके पास, जो खुद से डीएनए भी नहीं बना पाएगा, डीएनए से आरएनए भी नहीं बना पाता है, और राइबोसोम नहीं है तो आरएनए से प्रोटीन भी नहीं बनाएगा। जनरली देखा गया वायरस राइबोसोम को कंटेन नहीं करता है, और नहीं करेगा तो प्रोटीन फिर बनाएगा कैसे? तो हम लोग जो बात करते हैं वायरस का, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि कैसे वायरस इकोला बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने का काम करता है। वायरल आरएनए और डीएनए जो है इसी को क्या कर रहा है, ये अंदर डाल दिया, और ये बैक्टीरियल जीनोम को आपको दिखा रहा है। लेकिन यहां वायरस जो इंजेक्ट यहां पे हुआ, तो वायरस जो न्यूक्लिक एसिड रखा था अपना इंजेक्ट कर दिया। वायरस के पास मेनली दो चीज होता है, एक न्यूक्लिक एसिड इसके पास मौजूद होता है, दूसरा इसके पास प्रोटीन होता है। बाहर से जो बना होता है ये प्रोटीन कोड कैप्सिड कहलाता है, ये प्रोटीन का जो ब्लैक से आपको दिखा रहा है, और जो न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं जो आपको ग्रीन से यहां पे दिखा रहा है, वो क्या है? वायरस का डीएनए या नहीं तो आरएनए। मतलब वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए, दोनों नहीं होगा एक साथ। हम लोग जो वायरस की बात करते हैं, या तो डीएनए या नहीं तो आरएनए होता है। इसी का न्यूक्लिक एसिड जो होता है इन्फेक्शियस होता है। वायरस जब भी इन्फेक्शन काउज करता है तो अपने डीएनए या नहीं तो आरएनए से करता है। बच्चों, एक भी वायरस आपको ऐसा न मिलेगा जिसके पास डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल बोथ एक साथ प्रेजेंट हो, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रोटीन पार्ट जो कवर होता है, जिसको कोट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसको कैप्सिड भी हम लोग बोलते हैं, और वही कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए और आरएनए। नहीं, जैसे मैं अगर आपको फिगर से दिखाऊं, तो ये जो आपको दिख रहा है इसमें देखिए प्रोटीन का जो है कैप्सिड बोल रहा है, और अंदर में डीएनए और आरएनए बता रहा है। नहीं, इस तरह से ये इसमें क्या होता है, कवर रहता है वायरस। थोड़ा सा वायरस में एक स्पेशल टाइप का वायरस पे आइए, खासकर टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी के नाम से भी जाना जाता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जिसको एचआईवी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये दोनों वायरस के पास क्या होता है, आरएनए कंटेनिंग वायरस होता है। टोबैको मोजाइक वायरस टीएमवी, इसमें भी आरएनए होता है, और जो ह्यूमन का एड्स जो काउच करता है, एड्स को काउच करने वाला वायरस का नाम है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस की जो बात कर रहे हैं, ये दोनों के पास आरएनए मौजूद होता है। मतलब टीएमवी के पास भी क्या मौजूद है, आरएनए, और ह्यूमन एचआईवी की जो बात कर रहे हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, दोनों के पास क्या मौजूद है, आरएनए मौजूद है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, दोनों में देखिए, दोनों में आरएनए मौजूद है, यहां भी आरएनए मौजूद है, और इसमें दो दो आरएनए मौजूद होता है, इसमें एड्स वाले में, लेकिन है आरएनए, है आरएनए। वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, वैसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है, हम लोग क्या नाम देते हैं, बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं, बैक्टीरियोफेज। जैसे बैक्टीरियोफेज की बात करें, तो टी2 बैक्टीरियोफेज बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका। इसमें भी देखिए प्रोटीन कोट मौजूद होता है, इसमें भी क्या मौजूद है, प्रोटीन कोट मौजूद है, इवन डीएनए मौजूद है नहीं, और जो ये क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर दे रहा है, किसमें, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन कर रहा है। बैक्टीरियोफेज की जो बात करें हम लोग, बैक्टीरियोफेज में देखा गया डीएनए जो होता है इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियो
फेज, मतलब बैक्टीरियोफेज में क्या होगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। ये तो वायरस के बारे में जरा बात की। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं ब्रिवाइट्स। चलिए ब्रिवाइट्स में बात करते हैं बच्चों। 1971 की बात है, टीओ डाइनर डिस्कवर्ड किए थे न्यू इन्फेक्शियस एजेंट। टीओ डाइनर नाम के साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्रिवाइट, यही है टीओ डाइनर। इसके बारे में बोला गया था, डाइनर जो बताए थे, स्मॉलर देन वायरस, वायरस से भी छोटा होता, और ये क्या करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काउज करने का काम करता है। ये क्या करता है, वायरस से भी छोटा है और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज को काउज करने का काम करता है। नहीं, ये जो ब्रोवाइड होता है, अगर इसको देखिएगा इस तरह से आपको ब्रोवाइड दिखेगा, वायरस से भी छोटा क्या है, ब्रोवाइड। ये ब्रोवाइड इस तरह से आपको दिखेगा बच्चों। ये जो पाया जाता है ब्रोवाइड, जो पाया जाएगा तो फ्री आरएनए, फ्री आरएनए दैट इज फाउंड इन वायरस, हेंस द नेम ब्रोवाइड। फ्री आरएनए जो वायरस में मिलेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोवाइड के नाम से जानते हैं। फ्री आरएनए, आरएनए बोलने का क्या मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल इसका नेकेड होगा। कहने का मतलब है कि लैक प्रोटीन कोट, ब्रोवाइड में बाहर से प्रोटीन कोट मौजूद नहीं रहता है, ब्रोवाइड में प्रोटीन कोट मौजूद नहीं रहता है। ब्रोवाइड का जो आरएनए होता है वो छोटा होता है, जिसके कारण उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है। इतना काफी है ब्रोवाइड में। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स जो होता है, कुछ इंफेक्शियस एजेंट होता है जिसके पास केवल प्रोटीन होता है। प्रियॉन्स के पास केवल प्रोटीन, अब ब्रोवाइड के पास केवल आरएनए। अब प्रोटीन प्लस आरएनए दोनों मिला दीजिए तो बन जाता है वायरस, तब वायरस। प्रियॉन्स की जो हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या होता है, ओनली प्रोटीन, कोई न्यूक्लिक एसिड प्रियॉन्स में मौजूद नहीं होता है। नहीं, ये जो एजेंट होता है जिसे केवल और केवल प्रोटीन का बना होता है, इसी एजेंट का नाम क्या पड़ा, प्रियॉन। प्रियॉन हम लोग इसी को बोलते हैं। ये क्या करता है, ये स्ट्रेपी डिजीज काउज करने का काम करेगा। ये क्या काम करेगा, स्ट्रेपी डिजीज काउज करता है किसमें, सीप में। इवन मेड काउ डिजीज काउज करता है, मेड काउ डिजीज भी यही काउ करता है। एस्ट्रेपिस डिजीज की हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो जो आपको दिख रहा है सीप में, इसका देखिए, ये सीप का बाल बाल प्रॉपर ग्रो नहीं किया है, जहां तहां ग्रो कर गया है, जैसे तैसे ग्रो कर गया है, कहीं ज्यादा लंबा हो गया है तो कहीं छोटा हो गया। और जो हम लोग बात करते हैं मेडिकाउ डिजीज, उसमें इस तरह का कहानी हो जाता है, और ये दोनों प्रियॉन के कारण ही होता है। ये दोनों क्या है, प्रियॉन। प्रियॉन इतना काफी, इन्फेक्शियस एजेंट था। प्रियॉन के बाद जो नेक्स्ट बात करेंगे, लाइकेन। वैसे तो लाइकेन के बारे में हम लोग इकोलॉजी जब पढ़ेंगे तो डिटेल बात करेंगे बच्चों। तो लाइकेन जो होता है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, और ये एसोसिएशन जो होता है लाइकेन का, बहुत ही यूजफुल एसोसिएशन होता है बिटवीन अल्गी एंड फंजाई। किसके बीच में होता है एसोसिएशन, अल्गी और फंजाई के बीच में लाइकेन का एसोसिएशन होता है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये किसका है, लाइकेन का ही दिखा रहा हूं। तो ये लाइकेन, अल्गी जो होता है, अल्गी उसको फाइकोबायोंट भी बोलते हैं, और फंजाई जो कंपोनेंट इसमें होता है उसको माइकोबायोंट बोला जाता है। मतलब अल्गी जिसको बोलते हैं फाइकोबायोंट, जो कि आउटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और जो फंजाई होता है जिसको बोला जाता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइकोबायोंट। नहीं, तो अल्गी और फंजाई, और दोनों का एसोसिएशन है। अल्गी क्या काम करेगा, फूड बनाने का काम करता है। अल्गी जो काम करेगा वो क्या काम करेगा, फूड बनाने का काम करेगा, और फंजाई क्या करेगा, न्यूट्रिएंट देने का काम करेगा। अल्गी फूड बना के फंगस को देगा, और फंगस शेल्टर देगा, वाटर एब्जॉर्ब कर देगा उसके लिए, अल्गी के लिए मिनरल्स एब्जॉर्ब करके दे देगा, और दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। दोनों एक दूसरे के बिना जनरली देखा गया कि प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा, अगर लाइकेन के केस में है तो। नहीं, तो दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को क्या कर रहा है, आप एक दूसरे को कहिए कि फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है बच्चों। यहां पे जो हम लोग बात करें कि बहुत ही कम जगह है जहां पे हम लोग दो ऑर्गेनिज्म को एक साथ देखते हैं बच्चों, लाइकेन जो होता है बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है पॉल्यूशन इंडिकेटर का, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, बायो इंडिकेटर के नाम से भी जाना जाता है। लाइकेन वैसा एरिया जहां पे
सल्फर का पोल्यूशन ज्यादा हो उस एरिया में, लेकिन ग्रो ही नहीं करता है। सल्फर पोल्यूटेड एरिया में देखा गया कि क्यों ग्रो नहीं करता है, लाइकेन ग्रो ही नहीं करता है। इतना काफी आपका लाइकेन से रिलेटेड क्लियर है, तो इतना आप कर लीजिएगा। बच्चों तो हम लोग का जो डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी वाला जो फर्स्ट चैप्टर है वो डाइवर्सिटी का, वो हमारा क्लोज हो गया। डाइवर्सिटी में हम लोग मोनेरा देख लिए, प्रोटिस्टा देख लिए, फंजाई देख लिए, एनिमेलिया देख लिए, नहीं तो डाइवर्सिटी का फर्स्ट हम लोग का जो चैप्टर है वो आपका कवर हो गया। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग किंगडम के बारे में डिटेल बात, फिर स्टडी हम लोग करेंगे, हम लोग डिटेल स्टडी से रिलेटेड बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।